हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बहुत नया शेयर है फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, वीनस रेमिडीज, जिसका सिंबल है VENUSREM। वीनस रेमिडीज 30 रुपए से स्टार्ट करते हुए ये शेयर 1 साल के अंदर 580 के ऊपर चला गया है। फार्मा से रिलेटेड कंपनी है, इसके फंडामेंटल कैसे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहले देखते कंपनी के फंडामेंटल कैसे। अभी 776 करोड़ की माइक्रो कैप कंपनी बोलूंगा मैं इसे, बहुत छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में आएगी। 20 के पी पे मिल रही है अभी। और इसका काम क्या है, एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा से रिलेटेड ये प्रोडक्ट बना रही है अभी। सबसे मेन बात, कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। और यहाँ पे प्रमोटर खरीदारी कर रहे, प्रमोटर ने 4.91% अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है ओवर लास्ट क्वार्टर। और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 86.47 के CAGR से ग्रो कर रही लास्ट 5 ईयर से, तो प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है। प्रमोटर इन अपना हिस्सेदारी बढ़ा रहे, ये एक पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। अभी भी सस्ते पी पे मिल रही है। सेल्स देखा जाए तो सेल्स देखो, जून 2020 से इनके सेल्स बढ़ गए, मार्च 21 में कम हुए थे, पर फिर भी शेयर बढ़ ही रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की 33, 41, 54 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, और सेल्स देखा जाए तो 332, 341, 548। तो यहाँ वाई बेसिस पे सेल्स हमें इंक्रीज दिख रहे, तो ये पॉजिटिव में जाएगा। रिजर्व्स 388 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स है, और कर्जा है 51 करोड़ का, मतलब कंपनी जल्दी ही कर्जा मुक्त होने वाली है। तो ये कंपनी पे नजर जरूर रखो, बहुत ज्यादा कर्जा कम कर दिया इन्होंने, ऑलमोस्ट 100 करोड़ के ऊपर कर्जा एक ही क्वार्टर में इन्होंने कम कर दिया है। अभी हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास 35% शेयर थे 2019 से, उन्होंने जून क्वार्टर में 40.81% कर दिया, ठीक है, 40.81% कर दिया। FIIs के पास 0.02, DII 0, और पब्लिक के पास 59.17% है। तो पब्लिक ने थोड़ा हिस्सा कम कर दिया, पर फिर भी पब्लिक के पास अच्छी खासी क्वांटिटी ये शेयर की है। तो ये ऐसा शेयर है जिसमें प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी 4.91% से इंक्रीज की है लास्ट क्वार्टर में। अभी तक अगर ये कंपनी ने हमें कितने रिटर्न दिए वो हम देखने गए, तो यहाँ आप देख सकते हो कि कंपनी का स्ट्रक्चर 1 महीने में 42%, 3 मंथ्स में 77%, और 1 ईयर की बात करें तो 515 के रिटर्न ये कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। बहुत ज़्यादा रिटर्न होते हैं ये 515%, 3 ईयर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 1000% के रिटर्न ये कंपनी ने अभी तक दिए हैं। तो इस पे नज़र ज़रूर रखनी है, ये कंपनी में कुछ तो न्यूज आएगी और इसमें बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। अभी देखा जाए तो इनके रिजल्ट्स इतने कुछ खास नहीं थे, अगर टोटल इनकम ग्रोथ देखे तो नीचे चली गई थी। एबिटा बड़ा है, पैट इंक्रीज हुआ है, एबिटा और पैट इंक्रीज हुआ है कंपनी का। इनके साथ साथ कौन चलता है, तो कोपरन चलता है और जोटा हेल्थ केयर है विनस रेमेडीज के साथ। तो अभी देख सकते हो फिलहाल जोटा का चार्ट ऊपर दिख रहा है, पर ये इसके साथ साथ ही चल रहा है। प्रमोटर के पास 40% है, उसमें से 15% तो प्लेज है, ठीक है, 15% शेयर प्लेज है। प्रमोटर प्लेजिंग शेयर कम कम किए जा रहे हैं, जैसे देख सकते हो यहाँ पे सितंबर 20 में 100% प्लेज था, फिर 95% प्लेज हुआ, फिर 18% प्लेज हुआ, फिर 15% प्लेज हुआ। तो प्रमोटर प्लेजिंग कम कर रहे, जल्दी ये 0 प्लेज कर देंगे ऐसा दिख रहा है अभी मुझे यहाँ से। 1989 की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप 776 करोड़ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है, रेवेन्यू एंड रिसर्च डेवलपमेंट इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, पवन चौधरी इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कंपनी अगर देखा जाए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मतलब डेवलपिंग बोल सकते हैं हम, डेवलपिंग सिटी बोलते, नॉट डेवलप्ड सिटी बोलते। तो ये डेवलपिंग कंपनी है, जैसे प्लेजिंग कम होते जा रही है, कर्जा कम करे जा रही कंपनी, प्रमोटर हिस्सा बढ़ रहे बढ़ा रहे, तो कंपनी में धीरे धीरे माल उठाया जा रहा है। ये
इसके हो गए फंडामेंटल। अभी हम चार्ट देखेंगे, चार्ट पे देखो ये मंथली चार्ट है, कहाँ 30 रुपए का शेयर ट्रेड कर रहा था, 580-590 पे जाके आया। पर अभी यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि ये शेयर रेजिस्टेंस फेस करेगा ये दो लेवल पे, जो कि है 613, 622। तो 600 रुपए तक तो ये जरूर जाएगा, 610 तक भी जाएगा, पर 622-623 क्रॉस करने में इसे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस कर दिया तो ये सीधा 800 की तरफ भागने के लिए रेडी है, शेयर बढ़िया है। अभी अगर ये चार्ट देखते हैं हम, वन डे चार्ट पे आप मूवमेंट देख सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट किया था इसने और कहाँ चला गया। 19 रुपीज का लो लगाया था इसने मार्च अप्रैल तक 2020 के, और 19 रुपीज से बढ़ के ये इसने हाई लगाया था अभी रिसेंटली बीते ट्रेडिंग सेशन में, 592 का हाई लगाया था। तो इतना ज्यादा भाग जाने के बाद इसमें एंट्री लेना मतलब बहुत मतलब रिस्क वाली बात होगी। तो फिर भी अगर एंट्री लेनी, अगर हमें ये टारगेट और इसके ऊपर का ब्रेकआउट देखना है, तो हम डेली ट्रेड करने का इसमें और 5-10 पॉइंट नीचे के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करने की, ताकि नीचे भी आए तो आपका मुनाफे वाला सौदा लॉस में ना जाए। इसलिए स्टॉप लॉस अपने खरीदारी के आसपास रखने का, वहां से ऊपर गया तो स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऊपर करते जाने का, इससे आपको फायदा जरूर होगा। क्योंकि ये कंपनी भी ब्रेकआउट पे, मंथली चार्ट पे यहाँ ब्रेकआउट है, ये जो दो लेवल है इस पर रेजिस्टेंस फेस किया था कंपनी ने, और अभी यहाँ से चल के ये यहाँ तक आया है। तो ये लेवल अगर क्रॉस करता है तो यहाँ से मैसिव ब्रेकआउट देखने मिलेगा, फिर 800 तक शेयर जाएगा। पर अगर ये लेवल पे कंसोलिडेशन होके नीचे आया तो ये नीचे आते आते यहाँ तक आ सकता है, तो इसका भी आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। 380-390 पे ये आ सकता है यहाँ से भी। तो अगर अगर ये लेवल क्रॉस होती है तो ही इसमें एंट्री लेनी है, नहीं तो जो रिस्क लेने वाले ट्रेडर है उन्होंने आसपास एंट्री लेके पोजीशन वेट करना है। कंटिन्यू एक ही शेयर देखते रहना, इधर उधर देखने का नहीं, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा बढ़ गई है। फंडामेंटली कंपनी ठीक है, प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ा रहे अपने 50 डीओमा 200 डीओमा के बहुत ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी, तो इस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। और ये जो प्रमोटर का हिस्सा बढ़ाया इन्होंने, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और कंपनी कर्जा कम कर रही है, तो ये सब चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी मंडे के ट्रेड में। और हम इसमें पोजीशन देखेंगे, क्रिएट करना होगा तो मैं आपको वैसे इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम और अपने यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब रहिए। ये रहा ओवरऑल एनालिसिस, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।